हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ आपका मोस्ट वेलकम है, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और हाँ, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। इसी के साथ इस वीडियो के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक मैंने सीरीज स्टार्ट किया, यानी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन आए थे और आपको कौन से क्वेश्चन और करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि इग्नू जो है अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। हर साल 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इग्नू रिपीट करता है क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होते, और इतने सारे क्वेश्चन में जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही इग्नू बार बार रिपीट करता है। तो आपको भी अगर अपने एग्ज़ाम में, आपको अपने पेपर में 100 में से 100 अंक लाने हैं, 100% मार्क्स लाना है, तो आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर ले। तो चलिए इसी के साथ मैं आज आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, फिर इसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम लेके आएंगे। वैसे मोस्टली मैंने सॉल्यूशन वीडियो हर एक नोट्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ आपको हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम आज किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, MSO 01 का है समाजशास्त्र सिद्धांत और संकल्पनाओं के बारे में। 2019 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, अभी तो 2020 के जो भी क्वेश्चन है यानी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वो तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन उस एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे, यानी जून के एंड तक कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रो करवा देती हूँ कि आखिर आपको कितने मार्क्स जो आए, मतलब कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा और कितने अंक। टोटल आपके 100 नंबर होंगे, यानी 100 नंबर का होगा। आपको 3 घंटे इसके लिए समय दिए जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जी हाँ, और कितने शब्दों में, आपको 500 शब्दों में ये करने हैं। प्रत्येक भाग में से कम 2 क्वेश्चन आपको अवश्य उत्तर देना है, यानी आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों से आपको 2-2 क्वेश्चन जरूर अडॉप्ट करना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद आप 1 क्वेश्चन चाहे पार्ट 1 या पार्ट 2 से ले सकते हैं। स्टूडेंट मोस्टली इस चीज़ में गलती कर देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिएगा, आपका MSO 01 से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चिम समाज के सामाजिक सिद्धांतों का ब्यौरा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में दुर्खाइम के योगदान की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो योगदान में उसका मूल्यांकन करना है दुर्खाइम के बारे में, तो मैंने इमामुल दुर्खाइम के बारे में, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा, रिसेंटली ही मैंने अपलोड किया हुआ ये क्वेश्चन, और ये तो क्वेश्चन पहले से ही मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। तीसरा है कार्ल मार्क्स द्वारा, द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग एवं वर्ग द्वंद के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। वर्ग द्वंद के सिद्धांत की चर्चा करनी है हमें, और क्वेश्चन नंबर 4 आया था प्रतिमान परिवर्तन क्या है चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मेलिनोवस्की द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखते जाइएगा क्योंकि आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मैंने बताए थे, और जो भी क्वेश्चन बाकी है वो भी कंप्लीट करवा दूंगी जल्दी से ही। क्वेश्चन नंबर 6 है राज और नागरिकता के संबंध की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेडरिक बार्थ द्वारा विश्लेषित निर्जाति समूह और इसकी समीक्षाओं की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेतेत के सामाजिक समानता पर आधारित विचारों की आलोचनात्मक चर्चा। क्वेश्चन नंबर 9 इज विविध संस्कृति में मौजूद लैंगिक असमानताओं की प्राकृतिक की चर्चा उदाहरण सहित कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बॉद्रिलार्ड, जी हाँ बॉद्रिलार्ड द्वारा विश्लेषित उत्तर आधुनिक समाज की चर्चा कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और 2019 के जून वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून और दिसंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो और सारे पेपर की जानकारी के लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।